एक्सपर्ट टीचर या विशेषज्ञ वो हैं जो कि अपने सब्जेक्ट की अच्छा नॉलेज रखते हैं और उसके साथ साथ उन टीचिंग स्ट्रेटजीज को भी जानते हैं जिनके प्रयोग से वो अपनी कक्षा की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। लेकिन लैपर और वॉलोटॉन ने कहा कि हाईली स्किल्ड या निपुण अध्यापक वो हैं जो कि अपनी कक्षा में इन दो कार्यों को कुशलता के साथ कर पाते हैं। पहला है एंगेजमेंट यानी विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, दूसरा है मोटिवेशन यानी उन्हें उत्साहित करना और प्रेरणा देना। न्यूरोसाइंस हमारी मदद करता है अपने मस्तिष्क की चेतन और अवचेतन की अवस्था में होने वाली कार्य प्रणाली को समझने में। एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी मदद करती है हमारी उन इफेक्ट्स को समझने में जो कि सोशल सेटिंग के कारण पैदा होते हैं, यानी विद्यार्थी की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कई सारे तत्व हैं जो आपस में इंटर रिलेट होते हैं। रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं में भी कई तरह के तत्व हैं जो आपसी तालमेल पर आधारित होते हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें सभी जटिलताओं को एकीकृत करके अलग अलग दृष्टिकोण से देखने और पहचानने की जरूरत होती है। इसी को कहा जाता है इंटेग्रेटिव कम्प्लेक्सिटी, यानी हम अपनी समस्याओं को किस तरह से किन किन तत्वों के आधार पर किन किन परस्पेक्टिव में देख पाते हैं और कैसे समाधान निकाल पाते हैं, इसी को इंटेग्रेटिव कम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं डेविड हैंट का कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल जो कि आधारित है विद्यार्थी और शिक्षक की कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर के ऊपर यानी वैचारिक संरचना के ऊपर। और क्योंकि इन संरचनाओं में बहुत अंतर होता है तो अलग अलग विद्यार्थियों के लिए हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, उनमें क्या बदलाव ला सकते हैं, इनको समझने में ये मॉडल हमारी मदद करता है। इस मॉडल की कुछ कॉन्सेप्ट को हम पहले पढ़ चुके हैं जैसे अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन, कंसेप्चुअल सिस्टम और इंटरैक्टिव मैच। अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप इस पार्ट को देखें ताकि आपको आगे समझने में मदद मिले। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इस मॉडल को प्रयोग करने का प्रोसीजर क्या है, ये कहाँ कहाँ पर प्रयोग में लाता है और इसको प्रयोग में लाने पर क्या क्या दिक्कतें या चैलेंजेस पेश आते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंटीग्रेटिव कम्प्लेक्सिटी के बारे में। इंटीग्रेटिव कम्प्लेक्सिटी ये एक तरीका है, एक रिसर्च साइकोमेट्रिक है जो कि हमारी थिंकिंग और रीजनिंग की एबिलिटी को नापता है। हम किसी भी समस्या के कितने अलग अलग तत्वों को पहचान पाते हैं और वो तत्व आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनको कैसे हम अलग अलग डिफरेंट दृष्टिकोणों में देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। और हर समस्या के कई सारे मल्टीपल डायमेंशन यानी कई तत्व हो सकते हैं। जब हम समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो इन सभी डायमेंशंस को आपस में मिला के यानी एकीकृत करके देखने की जरूरत है ताकि हम उनके कनेक्शंस को समझ सकें। दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। सो दैट इज हाउ दिस बिकम्स इंटीग्रेटिव कम्प्लेक्सिटी, यानी जब हम जटिलता को एक करके देख पाते हैं और सही समाधान निकाल पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटिव कम्प्लेक्सिटी। अलग अलग मनुष्य अलग अलग इंटीग्रेटिव कम्प्लेक्सिटी पर के लेवल पर हो सकते हैं क्योंकि उनके कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर में यानी वैचारिक संरचना में अंतर होते हैं। ये मॉडल चार बेसिक लेवल्स को कंसिडर करता है और ये जो लेवल्स हैं ये बेस्ड है कंक्रीट अब्स्ट्रैक्ट डायमेंशंस पर और उसके साथ साथ इंडिविजुअल के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पर। इन लेवल को लो कम्प्लेक्सिटी से हाई कम्प्लेक्सिटी की तरफ इनको अरेंज किया जा सकता है। लो कम्प्लेक्सिटी यानी ऐसे इंडिविजुअल जो कि बहुत ही ठोस और सख्त रवैया रखते हैं और आमतौर पर यथार्थपूर्ण चीज़ों के बारे में ही अच्छी समझ बना पाते हैं। दूसरा है मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी, ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास कॉन्सेप्चुअल अपरेटस तो है यानी वैचारिक उपकरण है जिसके कारण वो अलग अलग अपनी जो समस्याएं हैं या अलग अलग जो ताना बाना है विचारों को उसको अरेंज कर पाते हैं, उसको व्यवस्थित कर पाते हैं। लेकिन ये कैपेबिलिटी उनकी मॉडरेट या लो लेवल की है, किसी हद तक ही वो इस कार्य को कर पाते हैं। तीसरा है मॉडरेटली हाई कम्प्लेक्सिटी, यानी ऐसे इंडिविजुअल जो किसी भी समस्या के विभिन्न विकल्पों की व्याख्या कर पाते हैं, उनको पहचान पाते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं कर पाते कि उनमें से वो किस विकल्प का चुनाव करें। यानी विकल्पों को पहचान पाते हैं लेकिन चुन नहीं पाते, दे आर नॉट एबल टू कंबाइन एंड सेलेक्ट एनी वन ऑफ द अल्टरनेट सिस्टम ऑफ इंटरप्रिटेशंस।
और चौथा है हाई कम्प्लेक्सिटी, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं, अपने कार्य से संबंधित तथा सामाजिक संबंधों में सही समन्वय बना पाते हैं, और इन इंडिविजुअल्स को हाईएस्ट कम्प्लेक्सिटी या हाईएस्ट इंटेग्रेटिव कम्प्लेक्सिटी का मालिक समझा जाता है। तो अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तरह का वातावरण उनके शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए। फर्स्ट लेवल ऑफ इंटेग्रेटिव कम्प्लेक्सिटी इज लो कम्प्लेक्सिटी। इसमें ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो आमतौर पर हर चीज़ को काला सफ़ेद की श्रेणी में रखकर देखते हैं, बहुत ही ठोस और सख्त रवैया रखते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसा कंसेप्चुअल ऑपरेटर यानी ऐसे वैचारिक उपकरण नहीं है जिससे ये अलग अलग अल्टरनेटिव या अलग अलग और क्या विकल्प है उनकी खोज कर सके। इसलिए ये हर चीज़ के बारे में तुरंत फुरंत निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, जिसको फास्ट क्लोजर कहा जाता है। और आमतौर पे अगर इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो या तो ये उस इन्फॉर्मेशन को अपनी बिलीफ सिस्टम के अनुसार ही रिसीव करते हैं, यानी जो चीज़ इनके विचार में सही है उससे मिलती जुलती जानकारी को ही ये रिसीव करते हैं, और अगर कोई जानकारी इनके बिलीव सिस्टम से मैच नहीं कर रही तो ये उस जानकारी को ही बदल देते हैं, यानी डिस्टॉर्ट कर देते हैं। आमतौर पे ऐसे इंडिविजुअल यूनिलेटरल सोशल रिलेशनशिप में होते हैं, यानी हायरार्की रिलेशनशिप में होते हैं, या तो अपने आप को टॉप पे समझते हैं और या अपने आप को बॉटम पे, यानी ये बहुत अच्छा सोशल रिलेशनशिप नहीं बना पाते। ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए बढ़िया लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होगा जो कि सपोर्टिव हो, क्योंकि इनकी क्षमताओं में विकास करने के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट विल बी बेटर, और स्ट्रक्चर्ड हो और फेयरली कंट्रोलिंग होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड और फेयरली कंट्रोलिंग होने की वजह से बहुत सारे अल्टरनेटिव में से इनको चुनने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। तो ये बहुत सारा जो काम है उसको आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि जो विकल्प ये नहीं चुन पा रहे थे वो पहले से ही उसमें इरेडिकेट कर दिया जाते हैं। लेकिन इनको ज़रूरी है कि ये अपनी बाउंड्रीज को, अपनी लिमिटेशंस को पहचाने और बातचीत का कौशल डेवलप करें, तो उसके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज इनके इन्वायरमेंट में डेवलप की जानी चाहिए। दूसरा लेवल आ जाता है मॉडरेट कम्प्लेक्सिटी, यानी ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास ऐसा कॉन्सेप्चुअल ऑपरेटर्स है जिससे ये विचारों को जनरेट कर पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी बना पाते हैं, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है दैट इज मॉडरेट, यानी किसी हद तक ही ये सूचनाओं को व्यवस्थित कर पाते हैं। इसके कारण ये कई बार बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज को, यानी बहुत सारे विकल्पों को छोड़ जाते हैं। आमतौर पे इनको कंट्रोल करने वाले लोग, यानी जो कंट्रोलिंग फिगर्स हैं, जो अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, ये उनको पसंद नहीं करते, जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए या और कोई अथॉरिटीज हो गए। और कई बार तो ये ऐसे लोग भी उनको पसंद नहीं करते जो कि असल में अथॉरिटेटिव नहीं होते। इनको आमतौर पे दिक्कत आती है दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में और अपने टास्क पर बने रहने में और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बनाने में, सामाजिक संबंध बनाने में समस्याएं आती हैं। ऐसे इंडिविजुअल के लिए ऐसा इन्वायरमेंट बेहतर रहेगा जिसमें ये बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों को और बेहतर बना सके, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सके, ताकि ये भी दूसरों के रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ सकें। थर्ड लेवल इज मॉडरेटली हाई कम्प्लेक्सिटी। ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स को चुन पाते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और बैलेंस कर पाते हैं, यानी ये कम डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, कम निश्चयात्मक होते हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल ये किसी अगर डिसीजन पर पहुंच भी जाते हैं तो उसके बाद भी ये अल्टरनेटिव वेज को के बारे में उनके प्रति जानकारी के प्रति भी जागरूक रहते हैं। अपने बिहेवियर का दूसरों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं, और दूसरों के जो कॉन्ट्राडिक्टिव व्यूज हैं उनको भी भली भांति रिसीव करते हैं, यानी उनको ब्रिज कर सकते हैं अपने व्यूज और आइडियाज के साथ, दूसरे लोगों के साथ अच्छे इमोशनल टाइज बना सकते हैं, अच्छा सामाजिक संबंध बना सकते हैं और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भली भांति समझ सकते हैं। इनको दिक्कत आती है अपने टास्क पर बने रहने में, अपने कार्य पे बने रहने, क्योंकि ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में को डेवलप करने में ज़्यादा बल देते हैं, इसलिए इनको अपने कार्य पर बने रहने में समस्याएं आती हैं। इनके लिए बेहतर इन्वायरमेंट होगा जिसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप
स्ट्रांग हो, यानी उनमें ज्यादा उनमें बल हो, और इनको जरूरत है कि ये अपने टास्क के ऊपर भी ज्यादा ध्यान दें। तो ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए इनको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रखने की जरूरत रहती है। नेक्स्ट इज हाई कम्प्लेक्सिटी। ऐसे इंडिविजुअल जो कि एडिशनल और कम्प्लेक्स पोटेंशियलिटीज रखते हैं, एडिशनल स्कीमाज बना सकते हैं, अल्टरनेटिव वेज खोज सकते हैं और अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाते हैं। ऐसे इंडिविजुअल अपने आप को बहुत आसानी से कम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी अडेप्ट कर लेते हैं, ढल जाते हैं। अपने टास्क और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में सही बैलेंस बना के रख पाते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए रूल्स और कन्वेंशंस बना पाते हैं और चेंजिंग कंडीशंस के अनुसार अपने बिहेवियर को बदल पाते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स बेहतर रहते हैं अगर उनको इंडिपेंडेंस मिले, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें इंडिपेंडेंस है, जो इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है, उसमें भी ये इंडिविजुअल अच्छा कार्य अच्छा सीख पाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में भी अच्छी लर्निंग को कर पाते हैं। तो हमने जाना कि हंट की थ्योरी इंटीग्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, लर्निंग एनवायरमेंट और पर्सनैलिटी ऑफ टीचर एंड पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट के मैच के ऊपर बल देती है। आगे जानते हैं कि इस थ्योरी को असल में कक्षा में कैसे प्रयोग में लाया जाता है या कैसे प्रयोग में लाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो सभी जो टीचिंग प्रोग्राम है दैट शुड बी बेस्ड ऑन एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी लर्नर सेंटर्ड होने चाहिए। उसी के अनुसार टीचर का चुनाव होना चाहिए और उसी के अनुसार करिकुलम का डेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि लर्नर की पर्सनैलिटी को इन्वायरमेंट के साथ मैच करना ज़रूरी है ताकि लर्नर सेटिस्फाइड फील करे, लेकिन इस इन्वायरमेंट को लर्नर की अगली डेवलपमेंटल स्टेज के साथ मैच करना भी ज़रूरी है ताकि इन्वायरमेंट स्टिमुलेटिंग हो और लर्नर जो है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार किया जा सके। आमतौर पे लर्नर अपने बारे में कौन सा इन्वायरमेंट सेटिस्फैक्ट्री समझता है और टीचर किस इन्वायरमेंट को स्टिमुलेटिंग समझता है, उसमें मिसमैच हो जाता है। ज़रूरी है कि ऐसी ओरिएंटेशन मीटिंग की जा सके पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, ताकि लर्नर को ऐसा इन्वायरमेंट सेलेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जो कि उसके कंसेप्चुअल लेवल के अनुसार सही है। यानी लो कंसेप्चुअल लेवल लर्नर के लिए ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और ज़्यादा डिटरमाइंड टीचर जो हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, और हाई कंसेप्चुअल लेवल के लर्नर के लिए स्टूडेंट क्योंकि खुद अपनी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट में ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। तो ज़रूरी है कि टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स तीनों इस ज़रूरत को समझें और उसके अनुसार ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इन्वायरमेंट है उसका चुनाव करें। नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई द मॉडल। इस मॉडल को कैसे प्रयोग में लाया जाता है। ये मॉडल काफ़ी इफेक्टिव है और प्रैक्टिकल है क्योंकि ये आम कक्षा में आने वाली जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से संबंधित समस्याएं हैं उनको समझाने में टीचर्स को काफ़ी मदद देता है। टीचर समझ पाता है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरह से टैकल करें। इसके साथ साथ ये मॉडल करिकुलम प्लानिंग में भी हेल्प करता है। करिकुलम में दोनों तरह के गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए और उसको कैसे मैच किया जाए, इसके बारे में ये मॉडल काफ़ी जानकारी देता है। ये मॉडल सभी तरह के करिकुलम एरिया के ऊपर सक्सेसफुल है। ये मॉडल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा यूजफुल है जब हम यंग लर्नर्स की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, और उसके साथ साथ जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं जिसमें कई डिसएडवांटेज चिल्ड्रन होते हैं जिनके लर्निंग एनवायरनमेंट में मिसमैच की संभावना रहती है, तो वहाँ पर इस मॉडल को काफ़ी प्रयोग में लाए जाने की संभावनाएँ हैं। इन मॉडल के बहुत अच्छे होते हुए भी बहुत सारी समस्याएं इम्प्लीमेंटेशन यानी जब इन प्रोग्राम को हम लागू करते हैं, इन मॉडल को प्रयोग में लाते हैं, तब आती हैं। पहली जो समस्या आती है वो होती है टीचर्स की। ये मॉडल ऐसे टीचर्स की डिमांड करता है जो कि फ्लेक्सिबल हैं ताकि वो लर्नर की ज़रूरतों के अनुसार अलग अलग लर्नर की ज़रूरतों के साथ, अलग अलग समय की ज़रूरतों के साथ अपने आप को बदल सके, यानी फ्लेक्सिबल हों।
हेयर पावल और फियर बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल टीचर्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। सभी तरह के लर्नर के लिए फ्लेक्सिबल टीचर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू जॉयस लैम एंड सीबल, फ्यू हु एंटर टीचिंग वर अब्स्ट्रैक्ट और फ्लेक्सिबल इन कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। कुछ ही टीचर्स होते हैं जो कि कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के मामले में फ्लेक्सिबल होते हैं। तो हालांकि फ्लेक्सिबल टीचर्स की बहुत ज़रूरत है, लेकिन टीचर्स के लिए फ्लेक्सिबल रहना और फ्लेक्सिबल टीचर्स का चुनाव करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है। टीचर के लिए भी, क्योंकि टीचर को समय समय पर अपने में बदलाव लाना, अलग अलग लर्नर के साथ अपने आप को एडजस्ट करना चैलेंजिंग हो सकता है। नेक्स्ट इज टाइम टेबल कोऑर्डिनेशन कंस्ट्रेंट। अब ये मॉडल चाहता है कि टीचर को लर्नर की कैपेबिलिटीज के साथ मैच करे, करिकुलम को लर्नर की कैपेबिलिटीज के साथ मैच करे, लर्नर की जो इंटीग्रेटेड कम्प्लेक्सिटी है उसको पहचान कर उसके अनुसार इन्वायरमेंट बनाया जाए। लेकिन इसमें टाइम टेबल कंस्ट्रेंट्स आते हैं, कैसे टाइम टेबल को अलग अलग क्लासेस को अलग अलग टीचर्स के साथ मैच किया जाए, तो दैट कैन बी वेरी चैलेंजिंग। सो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज विच इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ दिस मॉडल। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेबिलिटी एंड कॉन्ग्रेंस। जैसे अभी हमने बात करी थी कि आमतौर पर टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट इनके अपने विचार अपनी इंटेग्रिटी कम्प्लेक्सिटी के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए मैच नहीं करते, तो ज़रूरी है कि लर्नर टीचर और पेरेंट तीनों इस चीज़ की जरूरत को समझें कि लर्नर की पर्सनैलिटी के अनुसार ही इन्वायरमेंट का चुनाव किया जाना चाहिए। कोई भी एनवायरनमेंट सभी तरह के लर्नर के लिए ऑप्टिमल नहीं होता। टीचर्स को कैपेबिलिटीज डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि वो अलग अलग तरह के फंक्शनिंग स्टाइल को अप्लाई कर सके और अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग कंसेप्चुअल लेवल के स्टूडेंट्स के साथ डील कर सके। बेहतर हो अगर क्लासरूम होमोजीनियस हो, लेकिन आमतौर पर क्लासरूम होमोजीनियस नहीं होते। अलग अलग तरह के लर्नर्स दे आर प्रेजेंट इन द सेम क्लासरूम। तो अगर क्लासरूम को होमोजीनियस किया जा सके तो उससे इस मॉडल को अप्लाई करने में और आसानी हो सकती है। लेकिन एक ही कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर के लर्नर को एक क्लासरूम में कंबाइन करना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि कंसेप्चुअल लेवल हालांकि डेवलपमेंटल स्टेजेस की तरह ही सिक्वेंशियल है, लेकिन पूरी तरह से डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक एज ग्रुप के लर्नर भी अलग अलग कंसेप्चुअल लेवल पे, अलग अलग इंटीग्रेटिव कम्प्लेक्सिटी पर हो सकते हैं। तो चाहे इस मॉडल में बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं। लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ फायदे इतने हैं, बेनिफिट्स इतने हैं, दैट दिस मॉडल मस्ट बी यूज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन द क्लासरूम्स।